नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पेरिस ओलंपिक में जीत कर भी हारने वाली विनेश फोगाट ने भरे गले से संन्यास का ऐलान कर दिया है। भ्रष्ट सिस्टम के शिकार विनेश देश के लिए स्वर्ण पदक लाने जा रही थी, लेकिन 145 करोड़ लोगों के इस देश को पदक की नहीं बल्कि भ्रष्ट सिस्टम की जरूरत है, भ्रष्ट नेताओं की जरूरत है। ये वही विनेश फोगाट है जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को तो कुछ खास नहीं हुआ, पर आवाज उठाने वाले खिलाड़ियों को बहुत कुछ सहना पड़ा, लात घुसे खाने पड़े। यहां तक कि विनेश फोगाट को सड़क पर खींचा गया, पीटा गया। विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही मार्मिक पोस्ट लिखा। अगर आप इस पोस्ट को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो इसके बहुत से मायने निकलते हैं। विनेश ने लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती फाइनल से पहले अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने गुरुवार को संन्यास की घोषणा कर दी। ओलंपिक कुश्ती फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद विनेश इतिहास रचने के करीब। हालांकि 29 वर्षीय यह पहलवान बुधवार की सुबह 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया, इसके कारण उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश ने एक्स पर संन्यास का ऐलान करते हुए भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश के साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है, हमारे लिए आप हमेशा विजेता रहेंगी। आप न केवल भारत की बेटी हैं बल्कि भारत का गौरव भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने भी रिटायरमेंट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह विनेश को रिटायरमेंट वापस लेने के लिए मनाएंगे। 50 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा में सेमीफाइनल में विनेश से हारने वाली क्यूबा की पहलवान गजमान लोपेज ने बुधवार रात को फाइनल में उनकी जगह अमेरिका सारा एन हिल्डेब्रांड का सामना किया। हिल्डेब्रांड ने मुकाबला जीत कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विनेश का यह तीसरा ओलंपिक था। 2016 में रियो और 2021 में टोक्यो में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लेने के बाद लिए वजन कम किया था। वह 50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती थी। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।